Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha Prana Sangyo Na Vai Pancha Vayu Na Vasabda Dhatu Na Va Pancha Kosha Na Va Pani Padam Na Chopastapayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Come As You Are एक ऐसी बुक है जो आपको सरप्राइज कर देगी, जिसे पढ़ने के बाद आपकी सेक्स लाइफ नए तरीके से बदल जाएगी। इस बुक में ऑथर डॉक्टर एमिली नागोस्की इन्होंने औरतों की सेक्सुअलिटी का सच विस्तार में बताया है। एक औरत को उत्तेजित कैसे किया जा सकता है, इसके पीछे का साइंस इस बुक में छुपा हुआ है। आपके और भी कई सवालों के जवाब इस पुस्तक में मिलेंगे। इससे आप सेक्स की सुंदरता पहचान सकते हो। अगर आप सेक्स लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो या खुद में कमी महसूस करते हो तो आज के बाद ऐसा सेम नहीं रहेगा। अभी आप कल्पना करो कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपके सामने जीनी आके खड़ा है, वो जीनी जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो जीनी आपके सामने एक शर्त रखता है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन इस पल के बाद आपकी सेक्स लाइफ कभी भी बेहतर नहीं होगी। तो क्या आप ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या आप उम्मीद रखोगे कि एक दिन आपकी सेक्स लाइफ और भी अच्छी होगी? हम में से बहुत से लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे और ये बिल्कुल ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप आपके सेक्सुअलिटी के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हो। लकीली यही पे आपको इस बुक की समरी को समझना जरूरी है। बुक के इन चैप्टर्स में कुछ साइंटिफिक रिसर्च दिए गए है जिससे आपको समझेगा कि अपने सेक्स के एक्सपीरियंस को यादगार कैसे बनाए, कैसे लड़के और लड़की के जननांगों में उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो, कैसे एक शेर को देखने की वजह से आपकी सेक्स लाइफ खराब हो सकती है, उस कारण से नहीं जो अभी आप सोच रहे हो, शेर को देखना और अपने सेक्स लाइफ का क्या कनेक्शन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, कैसे आपने लड़कियों के मैगजीन्स पढ़ना बंद करने से आपकी सेक्स लाइफ सुधर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस बुक में मिलेंगे। चैप्टर पहला, अपने शरीर की रचना उतनी अलग नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर हम स्त्री और पुरुष के शरीर के रचना की तुलना करें तो हमें समझता है कि उनमें उतना ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत सी चीजें एक समान है जो कभी कभी वियर्ड लगती है, जैसे कि पुरुषों को निप्पल्स होते हैं, आखिर उनको इसकी क्या जरूरत है। स्त्री में समझ में आता है कि निप्पल से ही वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, लेकिन पुरुष इससे क्या करेंगे? वेल, इसका आंसर उतना ज्यादा वियर्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान के शरीर के बेसिक बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, बस वो हर इंसान में अलग अलग तरीके से अरेंज किए होते हैं जब वो बच्चा पेट में होता है। वहां से जननांग बनने शुरू होते हैं, लेकिन मेल हो या फीमेल हो या इंटरसेक्स हो, उनके बनने की शुरुआत सेम टिश्यू से ही होती है, जिसकी वजह से पुरुषों में निपल्स होते हैं। ये टिश्यू बेहद सेंसिटिव होते हैं, इनके अंदर चेतना होती है। सबके बेसिक बॉडी पार्ट्स बनने की शुरुआत समान होती है, उसके काफी दिनों बाद बच्चे में जेनिटल्स बनते हैं जो उसे पुरुष बनाते हैं या स्त्री बनाते हैं। लेकिन ये फर्क बस स्त्री या पुरुष के जेनिटल्स में ही नहीं दिखता है, बल्कि सभी स्त्रियों के पास यूनिक वजाइना होती है। कभी भी दो लड़कियों की योनि सेम नहीं हो सकती, फिर वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल पोर्नोग्राफी के अंदर वजाइना का जो लैबिया होता है वो कम दिखाते हैं। लैबिया मतलब वजाइना के जो लिप्स होते हैं वो। इसकी वजह से लोगों को वजाइना की एक ऐसी इमेज दिखती है जो रियलिटी में होती ही नहीं है। लेकिन आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको याद रखना है कि किसी भी साइज या किसी भी कलर की वजाइना नॉर्मल होती है, और क्लिटोरिस के लिए भी यही बात लागू होती है। क्लिटोरिस की साइज मटर के दाने से लेकर छोटे से अचार के टुकड़े तक सब में अलग अलग हो सकती है। चैप्टर दूसरा, आपका यौन व्यक्तित्व मतलब आपकी सेक्सुअल पर्सनालिटी कैसी है। ऑथर की एक पेशेंट लॉरी ने बताया कि जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसके अंदर अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करने का कोई डिजायर नहीं था, जबकि वो वाइब्रेटर या सेक्स टॉय या खुद के फिंगर्स को यूज करके खुद को प्लेजर दे सकती है। उसको मास्टरबेशन मतलब हस्त मैथुन करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने पति के साथ इंटरकोर्स करने का मन नहीं करता है।
इसकी वजह से लॉरी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ तो गलत है। क्या सच में लॉरी के साथ कुछ गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा समझो कि हमारा इंसानों का जो ब्रेन है उसके अंदर सेक्सुअल गैस एंड सेक्सुअल ब्रेक्स होते हैं। आपका ब्रेन कभी भी सेक्सुअल ब्रेक ले सकता है जब भी उसको कोई धागा या कोई साइन पता लगता है। ये रियल हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। इसका मतलब कोई भी ऐसी चेतना जैसे कि अपने पार्टनर का कोई ख्याल आना या उसके अंडरवियर का स्मेल, ये आपके दिमाग को ट्रिगर करता है जिससे आप इस बात पे भरोसा करने लगते हो कि इस पल में मुझे सेक्स नहीं चाहिए है और आप ब्रेक ले लेते हो। लेकिन इसका उपाय क्या है? अच्छा, जनरली देखा जाए तो हमारी चेता संस्था, हमारी नर्वस सिस्टम आसानी से इसे सेक्सुअल ब्रेक ले लेती है जिसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स ना होना नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में 226 औरतों के ऊपर एक रिसर्च स्टडी हुआ जिसमें ये दिखाई दिया कि जिन औरतों को अराउजल मतलब सेक्स के लिए उत्तेजना महसूस नहीं होती है या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी परफेक्ट जगह पे ही उत्तेजना महसूस होती है, ऐसी औरतों ने सेक्स करते टाइम कभी ना कभी सेक्सुअल एंजाइटी महसूस की है। लेकिन बस यही कारण नहीं हो सकता। सबके अंदर सेक्सुअल चेंज अलग अलग चेतना की वजह से हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये फर्क सबके यौन व्यक्तित्व को अलग बनाता है। जैसे कि ऑथर की एक और 35 साल की पेशेंट है कैमिला। एक दिन कैमिला कंप्लेंट करते हुए ऑथर के पास आई कि उसके अंदर सेक्स ड्राइव की कमी है। सेक्स ड्राइव मतलब सेक्स करने की चाहत। जब वो अपने पार्टनर को देखती है या अपनी फैंटेसीज में उसके बारे में सोचती है तो उसे उत्तेजना महसूस नहीं होती है। अब कैमिला के केस में ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको सेक्स से एंजाइटी है या वो अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करती है। उल्टा कैमिला का प्रॉब्लम ये था कि उसके ब्रेन की सेक्सुअल चेतना कम थी। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसका बस इतना ही मतलब है कि जब भी कोई कैमिला को टच करता है तो उसको जल्दी अराउजल फील नहीं होता है। उसका ब्रेन इंस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं देता है जैसे बाकी लोगों का देता है। कैमिला को उत्तेजना महसूस होने के लिए बस थोड़ा ज्यादा समय लगता है। चैप्टर तीसरा, आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस उस करंट सिचुएशन या वातावरण के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, दो लोग मिलते हैं, दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनका रोमांस चलता ही रहता है, वो एक दूसरे के लिए पैशनेट होते हैं, उनका रिलेशनशिप सेक्स से फुल्ली चार्ज होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है। जैसे ही रिलेशनशिप का दूसरा साल खत्म होने आ जाता है तो उनकी सेक्स की आग फीकी पड़ने लगती है। और ये हमेशा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका एक दूसरे में इंटरेस्ट कम होना या उनके सेक्स लाइफ का बेजान होना नॉर्मल है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। आपको वो सेंसेशन एक्साइट करती है या परेशान करती है ये आपके उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में सेक्स किया है। ये जो स्टोरी आपने अभी सुनी उसकी परिस्थिति टाइम गुजरने के साथ चेंज हुई, लेकिन थैंकफुली आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जैसे कि इमेजिन करो कि आप सेक्सी मूड में हो और तब आपका पार्टनर आपको गुदगुदी करता है, ये आपको एक्साइटिंग लगेगा, आपके अंदर झुनझुनी आएगी। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान लगा के कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और तब आपका पार्टनर आपको गुदगुदी करता है तो आप चिढ़ोगे, आप गुस्सा करोगे। यहाँ से हमें समझता है कि कोई भी सेंसेशन हमें प्लेजर देती है या हमें अपसेट करती है ये उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है एंड उसी से डिसाइड होता है कि आपको और आपके पार्टनर को सेक्स करना चाहिए या नहीं। रिसर्च और स्टडीज के अनुसार जब मूड अच्छा होता है तो सभी चीजें इरोटिक लगने लगती है। जैसे कि लैब में चूहे के ऊपर एक प्रयोग किया गया जिसमें चूहे के ब्रेन में एक छोटा परीक्षक रॉड इंसर्ट किया था। जब नॉर्मल वातावरण में वैज्ञानिकों ने चूहे के दिमाग के ऊपरी हिस्से को स्टिमुलेट किया तो चूहा क्यूरियस था। वहीं पे जब चूहे के निचले हिस्से को स्टिमुलेट किया गया तो चूहा अवॉइड कर रहा था, वो निगलेक्ट कर रहा था। जब नॉर्मल वातावरण से बाहर निकाल के चूहे को एक अच्छी खुशबू के साथ पॉजिटिव वातावरण में जहाँ पे लाइट भी नहीं था वहां पे रखा गया, तब ये मैटर ही नहीं करता था कि वैज्ञानिक चूहे के दिमाग के कौन से हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं। जब तक चूहा हैप्पी माहौल में था तब तक वो व्यस्त था और एंजॉय कर रहा था। यही सेम हम इंसानों के साथ भी होता है। हर दिन के वातावरण में हमें गुदगुदी या दर्द अच्छा नहीं लगता है। जब आप दोनों भी सेक्स के मूड में होते हो वैसा माहौल होता है तो अपने पार्टनर से मार खाना भी आपको इरोटिक लगता है। चैप्टर चौथा, स्ट्रेस या टेंशन सेक्स को खत्म कर देता है।
लेकिन ऑनेस्टली ये हमें ऑलरेडी पता है ना? अगर आपको विजुअलाइज करना है तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इमेजिन करो कि आप ऑफिस का काम कर रहे हो और अचानक वहाँ पे आपका पार्टनर आ जाता है। उसी मोमेंट में आप दोनों भी एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। आपको अभी इसी पल आपके पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक हरकत करनी है एंड आपका पार्टनर आपका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरता है एक प्राइवेट जगह ढूंढने के लिए, लेकिन गलती से आप सीनियर के केबिन में चले जाते हो। अभी वो आपको घूर रहा है और उसको आपका इंटेंशन समझा है। वो आपको वार्निंग देता है कि ऐसा सब फिर कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको शर्म आती है और आप वहाँ से चले जाते हो। घर जाने के बाद भी आप काफी टाइम वही सोचते हो एंड स्ट्रेस की वजह से आप पहले जैसे मूड में नहीं आ पाते हो, क्योंकि स्ट्रेस सेक्स को दुनिया की सबसे कम आकर्षक चीज बना देता है। आप आपके बॉडी के स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को दबा नहीं सकते हो, ना ही कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हो। और यही सेम प्राणियों में भी देखने मिलता है। जैसे कि अगर एक शेर हिरण को खाने के लिए उसके पीछे भागता है तो अभी हिरण के पास तीन ऑप्शन है, या तो वो भागे, या तो शेर के साथ लड़े, या तो मर जाए। और हिरण चाहे जो ऑप्शन चूज करे, अगर वो इससे बचता भी है तो भी उसकी तकलीफ खत्म नहीं होती है। हिरण को कंटिन्यू स्ट्रेस आता है, उसकी फुल बॉडी कांपने लगती है, उसको एंजाइटीज होती है। शेर के जाने के बाद भी काफी दिनों तक उसकी बॉडी संकुचित रहती है। ये स्ट्रेस के लक्षण है जो हमारी बॉडी दिखाती है। यही सेम हाल आपका भी है। भले ही आपके पीछे कोई शेर नहीं लगा है, लेकिन काम का, फैमिली का या रिलेशनशिप का स्ट्रेस आपको अंदर से वीक बनाता है। ऐसे में अगर आप सेक्स ट्राई भी करते हो तो भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हो जब तक स्ट्रेस का साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप स्ट्रेस से जल्दी निकले और फिर से एंजॉय करना स्टार्ट करें? आप स्ट्रेस की साइकिल में गड़बड़ी नहीं कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेस को एक्सप्रेस कर सकते हो जिससे आप जल्दी रिकवर हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज या योगा करके स्ट्रेस कम कर सकते हो। खुद को रिलैक्स रखना, प्रॉपर नींद लेना या जो भी चीज आपको कंफर्टेबल लगती है वो चीज करना, इससे आपकी स्ट्रेस की लेवल कम रहेगी। ऐसा कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको बेहतर महसूस होगा, जैसे कि रोना, जोर से चिल्लाना या जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज करना। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने सेक्सुअल ट्रॉमा झेला है उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जो भी सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स होते हैं उनमें देखा गया है कि जब वे सेफ होते हैं तो भी उनके अंदर स्ट्रेस कंटिन्यू होता है। तो अगर आपके साथ सेक्स को लेकर कोई ट्रॉमा हुआ है या बुरा इंसिडेंट हुआ है तो भी आपको सेक्स में इंटरेस्ट ना होना नॉर्मल है। आपको उससे हील होने के लिए टाइम लगेगा और जब तक आप भूल पाओ तब तक हो सकता है कि आपको सेक्स करना डेंजरस लगे। लेकिन इस टाइम पे आप खुद को शांत रख सकते हो और उस मोमेंट में दिमागी तौर पे मौजूद रह सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको मदद मिलेगी। चैप्टर 5, सोशल मीडिया और आजकल का पॉप कल्चर हमारी सेक्स लाइफ को डैमेज कर सकता है। आप टीवी पे सेलिब्रिटीज की लाइफ देखते हो, सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करते हो जिनकी रियल लाइफ कुछ और ही होती है। लेकिन जब आपका स्क्रॉलिंग बंद होता है, आप कुछ और काम करते हो, तो भी उन लोगों की लाइफ आपके दिमाग से नहीं जाती है। आप खुद को उनके साथ कंपेयर करने लगते हो। इसका आपके सेक्स लाइफ के ऊपर निगेटिव असर पड़ता है। न्यूज चैनल्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों तक निगेटिव बॉडी इमेज पहुंचानी है जिससे उनको इनसिक्योर लगे। हीरोइंस की या फीमेल बॉडी की लगातार जो तस्वीरें दिखाई जाती है वो प्योरली अनरियलिस्टिक होती है, जिसकी वजह से महिलाएं बेडरूम में इनसिक्योर फील करती है। वो खुद के शरीर को फोटोशॉप और मेकअप किए हुए मीडिया की इमेजेस से नापने लगती है। जब आप देखते हो कि सोसाइटी के लिए असल में सुंदरता कैसी होनी चाहिए तो आप खुद को सेक्सी फील नहीं करवा सकते। आप खुद के शरीर के साथ खुश नहीं होते हो। महिलाओं को उनके फिजिकल अपीयरेंस को गलत दिखा के मीडिया का काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। महिलाओं का सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी मीडिया की वजह से ही मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि उनको टीवी और बाकी माध्यमों से ये मैसेज मिलता है कि उन्होंने हर एक सेक्सुअल पोजीशन एंजॉय करनी चाहिए। उनका पार्टनर बेडरूम में उनके साथ कुछ भी कर सकता है और उसमें उनको मजा आना चाहिए। जैसे टाइप की लॉन्जरी एडवर्टाइजर्स में दिखाते हैं वैसे ही आपको भी पहननी चाहिए। और ये जो चीजें आपके ऊपर थोपी जाती है उनको अगर आप एंजॉय करते हो तो आप स्लट हो, अगर एंजॉय नहीं करते हो तो आप पुराने जमाने के हो या नैरो माइंडेड हो। अगर आप मीडिया को देखोगे तो वो महिलाओं को टारगेट करता है। फीमेल की सेक्सुअलिटी को जैसे दिखाया जाता है वो बस कंफ्यूजिंग ही नहीं होता है,
बल्कि उसका कोई बेस नहीं होता, असलियत से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। तो आप आपकी लाइफ को मीडिया के ऐसे टॉक्सिक प्रभाव से बाहर कैसे निकालोगे? इसके लिए मीडिया की रियलिटी को समझो। और आप जैसे भी दिखते हो, आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो खुद की सुंदरता को सेलिब्रेट करो। आप ये जान लो कि आपका शरीर, आपकी वजाइना यूनिक है और वो नॉर्मल है। खुद के शरीर और सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करो। 2012 में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुआ था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 20 साल तक काम किया था। इस रिसर्च में बॉडी इमेज और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का संबंध देखा गया था, जिसका रिजल्ट ये था कि आप आपके शरीर के बारे में जैसे सोचते हो, वैसे ही आपकी सेक्स लाइफ बन जाती है। आपके खुद के लिए जो विचार है, उसका असर आपकी उत्तेजना पर भी पड़ता है, आपके सेक्सुअल डिजायर पे भी इसका असर होता है, और आपके ऑर्गाज्म के ऊपर भी आपकी सोच का असर पड़ता है। आप खुद के लिए जितना अच्छा फील करोगे, उतना ही अच्छा आप बेड में भी फील करोगे। तो आपको इस चैप्टर से बस एक ही चीज सीखनी है, जिससे आप अपनी सेक्स लाइफ को बचा सकते हो। खुद को एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस करो। खुद के बारे में अच्छा सोचो। आप जैसे हो वैसे खुद से प्यार करो। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6, बस आपके जेनिटल्स में या आपके जननांगों में फीलिंग्स हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अराउज्ड हो या आप सेक्स के लिए उत्तेजित हो। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो अपने पार्टनर को उत्तेजित करना आपके लिए सेक्स की सबसे पसंदीदा चीज होगी। आप आपके पार्टनर को प्लेजर फील करवा सकते हो, ये कितनी अच्छी फीलिंग है। लेकिन आपको पता है क्या, हमारे शरीर का फिजिकल रिस्पॉन्स हमारी इच्छा के सिवाय भी हो सकता है, जबकि आपका पार्टनर मेंटली उत्तेजित ना हुआ रहे। ये स्पेशली महिलाओं के साथ होता है। एक तो उनके अराउज होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वजाइना की तरफ होने वाला खून का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से तुरंत वहाँ पे अराउजल दिखता है। लेकिन इससे आपकी पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसके ऊपर से वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जिसमें स्त्री और पुरुष को पोर्न वीडियोस देखने बोला, और जब दिया हुआ टाइम खत्म होता था, तो पार्टिसिपेंट्स को ये बताना था कि वो कितने अराउज्ड है। रिसर्चर्स ने देखा कि पुरुषों के अंदर जितना खून का प्रवाह पेनिस की तरफ होता है, उतना ही वो उत्तेजित महसूस करते हैं। मतलब अगर 50% ब्लड का फ्लो हुआ है, तो 50% उत्तेजित होंगे। लेकिन महिलाओं में जब 50% खून का प्रवाह होता है, तो वे 10% से भी कम उत्तेजित महसूस करती है। तो हमें इस प्रयोग से ये सीखना है कि आपकी फीमेल पार्टनर उत्तेजित है या नहीं। इसमें कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप उसको पूछो। अगर नहीं हुई है, तो उसको और ज्यादा फोर प्ले की जरूरत है, जिससे वो एंजॉय कर पाएगी। अक्सर महिलाओं में ये देखने मिलता है कि उनकी वजाइना किसी भी सेक्सुअल टच या चेतना को रिस्पॉन्स देती है। वजाइना को समझता है कि उसकी सेंसिटिव एरिया के साथ कुछ तो हो रहा है, और वो वैसे ही रिस्पॉन्स देती है। आपको ये याद रखना है कि ऐसा ही सेम सेक्सुअल ट्रॉमा में भी हो सकता है, जैसे कि रेप। कुछ सर्वाइवर गिल्टी फील करते हैं, या उनको शर्म आती है, क्योंकि जब उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, तो उनको वजाइना में अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर रेप हुआ और मैं ये डिजर्व करती हूँ, या ये मुझे ही चाहिए था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही कुछ पुरुष जब मूवी में रेप का सीन देखते हैं, तो वो उत्तेजित हो जाते हैं और उनको इसका गिल्ट लगता है। दोनों भी केसेस नॉर्मल है, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो बस आपके जेनिटल्स का रिस्पॉन्स था। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हो। आप चाहते हो कि आपके ऊपर असॉल्ट हो, या आप किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस करना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्स करती है, जिससे आपके रियल फीलिंग्स का कोई कनेक्शन नहीं होता है। चैप्टर 7, फाइनल समरी, अंतिम सारांश। हमें अक्सर सेक्स के बारे में गलत नॉलेज दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में काफी कंफ्यूजन्स होते हैं, जिससे एंजाइटी भी हो सकती है। जैसे कि बहुत से लोग इस बात का टेंशन लेते हैं कि मेरी वजाइना का शेप नॉर्मल नहीं है, या मुझे उतनी ज्यादा सेक्स की उत्तेजना महसूस नहीं होती है, या मेरी सेक्स ड्राइव कम है। सेक्स ड्राइव मतलब सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने की चाहत। लेकिन सच तो ये है कि हमारे शरीर की रचना कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते। हमारे अंदर जो भी गलत फहमी या इनसिक्योरिटीज होती है, इसके लिए बस मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। जबकि वजाइना का कलर और शेप कैसा भी हो सकता है, और सेक्स ड्राइव जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि जैसे खाना, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक जरूरतें हैं, वैसे ही सेक्स भी हमारी एक जरूरत है। लेकिन सेक्स जरूरत नहीं है, बल्कि चाहत है।
हम सेक्सुअल लाइफ से कितने टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं वो हमारी चेतना और सिचुएशन पर डिपेंड होता है। सो अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको बच्चा हुआ है या टाइम के साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका ब्रेन सेक्स की चेतना को फास्ट रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है तो ये नॉर्मल है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है। बस आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है वार्म अप होने के लिए, या आपको एक्स्ट्रा फोर प्ले चाहिए होता है, या हो सकता है कि रोमांटिक वातावरण में भी आपको उत्तेजित होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और मीडिया जो भी दिखाती है उसका आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आप टेंशन लेते हो या अपने शरीर के साथ खुश नहीं होते हो तो आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा। हम समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को खुद को एक्सेप्ट करने के लिए या स्ट्रेस से खुद को बाहर निकालने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद वो एक अच्छा प्लेजरेबल इंटरकोर्स एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपका आपकी सेक्सुअल लाइफ में क्या स्ट्रगल चालू है। इस बुक को पढ़ के आपको समझेगा कि आपकी सेक्स लाइफ कभी भी ग्रो कर सकती है। आप इसके लिए फ्री हो कि आपकी सेक्सुअलिटी को कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो समरी से आपको कुछ तो सीखने मिला होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।